morning listeners. आज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी चैप्टर के अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो दो पार्ट होते हैं, एक अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जिसका लेक्चर हम समाप्त कर चुके हैं, आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से संबंधित नियमों, लेखांकन प्रक्रियाओं और जो उसका फॉर्मेलिटीज होता है, इन सब बातों पर चर्चा करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के ऊपर एक्युमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, विभिन्न प्रकार के इनटैंजिबल एसेट्स इत्यादि का जब अननेसेसरी बोझ बढ़ जाता है, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर वे में रिटर्न नहीं दे पाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करके उसी कंपनी को एक नया जीवन प्रदान किया जाता है जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से जब हम नया जीवन प्रदान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी में अपना अपना हित रखने वाले सभी पक्षों को कुछ कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। अंशधारी अपने अंश पूंजी में कमी को सहन करते हैं, ऋण पत्रधारी व महाजन लोन के बदले कुछ कम राशि स्वीकार करते हैं या कम मूल्य के ऋण पत्र व लोन लेने पर सहमत होते हैं। इसी प्रकार पूर्वाधिकार अंशधारी भी अपने अंशों के मूल्य में होने वाली कमी को वहन करने को तैयार होते हैं और बकाया लाभांश इत्यादि का सेक्रीफाइस भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इन सब के सेक्रीफाइस करने से जो एक बल मिलता है, जो एक ऊर्जा, जो एक शक्ति कलेक्ट होता है, उससे हम उन फैक्टर्स को डिलीट करते हैं जो कंपनी के ऊपर एक बोझ के रूप में बना हुआ है, जैसे एक्युमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स फुल्ली या पार्शियली वगैरह को हम राइट ऑफ करके और कंपनी को तरोताजा और हल्का बनाते हैं ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो आइए इन बातों को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स ए रिडक्शन ऑफ ए कंपनी शेयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार कंपनी के शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना कैपिटल रिडक्शन कहलाता है। इसका उद्देश्य, कैपिटल रिडक्शन का जो उद्देश्य हो सकता है वह एक्युमुलेटेड लॉस को सेट ऑफ करना, फिक्टिशियस एसेट्स को सेट ऑफ करना, एसेट्स को रियल वैल्यू पर लाना और विभिन्न प्रकार के अननेसेसरी इंटेंजिबल एसेट्स व लायबिलिटीज वगैरह को राइट ऑफ, लायबिलिटीज वगैरह को राइट ऑफ करना हो सकता है। कोई भी कंपनी कैपिटल रिडक्शन को तभी अपना सकता है जब वो कुछ शर्तों को पूरा कर रहा हो या कर लिया हो, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत कंपनी इस बात के लिए ऑथराइज्ड हो कि वो अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकता है। साथ ही उसने जनरल मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कर लिया हो, इस कंपनी ने न्यायालय से अनुमोदन करा लिया हो और न्यायालय से जो अनुमोदन प्राप्त हुआ है उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा कर दी गई हो, कम से कम इतना न्यूनतम फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है कैपिटल रिडक्शन करने के लिए। तब इसके बाद जब इससे जुड़े हुए अकाउंटिंग पर चर्चा की बात आती है तो अकाउंटिंग का काम कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कैपिटल रिडक्शन के लिए, कैपिटल रिडक्शन, कंपनी के कैपिटल में रिडक्शन करना और एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ओपन करना,
या उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो जब कंपनी अपने अंशों के मूल्य को कम करती है, जब कंपनी अपने अंशों के मूल्य को कम करती है तो ऐसी स्थिति में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और वह शेयर कैपिटल अकाउंट अपने फुल वैल्यू से डेबिट होता है और जो उसका नया वैल्यू तय होता है वो क्रेडिट होता है और जो कमी की राशि होती है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जैसे कंपनी के पास 10 रुपये वाले 1 लाख क्षमता अंश है तो कुल इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया होगा। तो कंपनी ने यह निर्णय लिया कि 10 रुपये वाले अंशों के मूल्य को घटाकर 4 रुपया कर देना है, तो कमी कितना का हो गया? 6 रुपया का। कमी कितना का हो गया? तो प्रति अंश 6 रुपया, कुल 6 लाख रुपया। तो इसका हम जर्नल एंट्री जब करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा ओल्ड शेयर कैपिटल यानी कि 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू शेयर कैपिटल यानी कि 4 लाख और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6 लाख। इसी तरह की कमी पूर्वाधिकार अंशों में भी की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने 100 रुपये वाले कंपनी के पास 100 रुपये वाले 2000 पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश हैं। कंपनी इन 100 रुपये वाले अंशों के मूल्य को घटा करके मान लेते हैं कि 60 रुपया किया, तो अंशों में कमी कितना हो गया? प्रति अंश 40 रुपया। तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू न्यू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 × 60 तो 1,20,000 और 80,000 रुपये का जो कमी हुआ वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंश पूंजी में कमी का लेखा करते हैं। उसके बाद कंपनी के जो महाजन होते हैं, जो लायबिलिटीज होते हैं, ऋण पत्रधारी, क्रेडिटर्स वगैरह, तो ये या तो अपने मूल्य को कम कर लेते हैं, अपने दायित्व को कम कर लेते हैं, और नहीं तो कम राशि लेकर के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे 1 लाख रुपए के ऋण पत्रधारी थे जो अब 80,000 रुपए के नए डिवेंचर लेकर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो ओल्ड डिवेंचर डेबिट 1 लाख टू न्यू डिवेंचर 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। अगर वो 80,000 रुपया नगद लेकर सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं तो ओल्ड डिवेंचर डेबिट 1 लाख टू बैंक 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब कहने का यह हो गया कि अंश पूंजी और दायित्व की राशि में जो कमी होगी वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तीसरा लेखा, जब किसी एसेट्स का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा, बढ़ेगा, तो संबंधित एसेट्स को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। कभी कभी पूर्वाधिकार अंशधारी अनपेड प्रिफरेंस डिविडेंड का सेक्रीफाइस कर देते हैं तो उसके लिए अनपेड प्रिफरेंस डिविडेंड को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से 1 नंबर एंट्री, 2 नंबर एंट्री, 3 नंबर एंट्री, 4 नंबर एंट्री यानी कि हर पक्षों के त्याग के कारण कंपनी के पास एक फंड जनरेट हुआ जिसको हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जमा करके रखा। अब कंपनी इस फंड का उपयोग फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने, एक्युमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने और अननेसेसरी जो अनुमोदन न्यायालय के समक्ष पास हुआ है उसके हिसाब से इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और तमाम काम को संपन्न करने के बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई अमाउंट शेष बच जाती है तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे फॉर राइट ऑफ वेरियस लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स एक्सेट्रा। तो कैपिटल रिडक्शन को हम डेबिट करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो एक्युमुलेटेड लॉस है उसको लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स डिवेंचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, बैड डेट्स, इन्वेंट्री, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इन सब में जो कमी होगा उसको लिखेंगे, और इफ एनी अमाउंट रिमेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इन सबको राइट ऑफ करने के बाद अगर कोई राशि बचती है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बच्चों, इन जर्नल एंट्री को पास करने के बाद में कंपनी का एक फ्रेश बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो जब कंपनी का फ्रेश बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी हम एंट्री किए हैं उन सबको हम नए वाले बैलेंस शीट में संशोधन करेंगे। जैसे कंपनी के पास 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर कैपिटल थे जिसका दाम घट के 4,000 रुपया हो गया, तो नया बैलेंस शीट में 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 4 शेयर कैपिटल 4 लाख लिखाएगा।
2000 प्रेफरेंस शेयर थे जिसका दाम घट के 60 रुपया हो गया, तो 2000 का 60 के रेट से 1,20,000 लिखाएगा। डिबेंचर या क्रेडिटर्स ने अपना कुछ सेक्रीफाइस किया है तो उसका जो नया वैल्यू है उसको लिखेंगे। और साथ ही एसेट्स साइड में जो वेरियस लॉसेस थे, जो वेरियस फिक्टिशियस एसेट्स थे, इनटेंजिबल एसेट्स का जो पार्ट राइट ऑफ हुआ, टेंजिबल एसेट्स का जो पोर्शन डिप्रिसिएट हुआ, डेटर्स के ऊपर जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया या फिर उसका जो पार्ट बैड डेट्स हो गया, उन सबको संबंधित एसेट्स में एडजस्ट करके और जो नया वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। और इस प्रकार एक नया बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी तैयार करेंगे, जो अपने आप में एक फ्रेश बैलेंस शीट होगा। और रिकंस्ट्रक्शन इसीलिए किया जाता है कि कंपनी रिकंस्ट्रक्शन के पीछे जो मेन व्यू, मेन उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि कंपनी जो एक्युमुलेटेड लॉसेस के बोझ तले दब गया है, कंपनी विभिन्न फिक्टिशियस एसेट्स के बोझ तले दब गया है, कंपनी उन एसेट्स के बोझ तले दब गया है जिनका वैल्यू तो बहुत है लेकिन उसका रियलिटी में उसका वैल्यू जो है कम है। तो जब उसका एसेट्स ज़्यादा रहता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इम्प्लॉयड कैपिटल होगा वो ज़्यादा शो करेगा, ज़्यादा प्रेजेंट करेगा, और उसके हिसाब से जो उसका टोटल जो रिटर्न बनता है वो बहुत पुअर रहता है। परिणाम क्या होता है कि शेयर मार्केट में ऐसे कंपनी का रेपुटेशन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, इन्वेस्टर ऐसे कंपनी पर से अपना भरोसा खोने लगते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर सही समय पर सही कदम न उठा गया तो कंपनी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जब कंपनी बंद हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बहुत सारे पार्टीज का बहुत तरह का फाइनेंशियल लॉस हो, तब जाकर के जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो और जो कंपनी के जो संबंधित महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं वो न्यायालय प्रक्रिया में आते हैं, कानूनी प्रक्रिया में आते हैं। कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना ये अपने मन मर्जी का बात नहीं है कि जब चाहे तब रिकंस्ट्रक्शन कर लिए। कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका जो लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होता है और बाजाबता इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर इशू कराना होता है कि हम इस तरह से अपने कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, इन इन कैपिटल और लायबिलिटीज के मूल्य को कम करेंगे, बदले में इस तरह से अपने हम एक्युमुलेटेड लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट्स के बोझ को कंपनी के ऊपर से उतारेंगे। और इसके बाद कंपनी कुछ इस तरह से काम करेगा कि जो भी कंपनी से जुड़े हुए पक्ष हैं उन सबको बेहतर रिटर्न मिलेगा और उनके वेल्थ का ग्रोथ होगा। तो इन्हीं व्यू के साथ जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। और रिकंस्ट्रक्शन का एक वह रूप भी होता है जिसमें वर्तमान कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो पुरानी कंपनी होती है, जो पहले से एग्जिस्टेड कंपनी होती है, उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, समाप्त कर जाता है और उसको उसके जगह पर एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है। और जो पुरानी कंपनी के जो एसेट्स लायबिलिटीज थे उसको रिजनेबल वैल्यू पर या फिर जो उसका अपना सिस्टम है उसके हिसाब से उस कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है। तो हमने बच्चों अपने इस लेक्चर सीरीज में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर चर्चा नहीं किया है, बस उसका केवल थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया है। ये तीनों का तीनों जो लेक्चर सीरीज था ये मुख्य रूप से इसी तथ्य पर आधारित था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो दो पार्ट हो गए, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इस पर आधारित था। अब इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के संबंध में जो अगला जब लेक्चर सीरीज शुरू होगा वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी हुई अकाउंटिंग के संबंध में होगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का यही पर सारी बात समाप्त होता है। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा तो फिर उसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा होगी। तब तक लिखते हैं।